स्वार्थ होता, इसलिए प्रेम अलग चीज है। पति पत्नी में आज प्रेम कम देखने को मिलता है। बहुत कम पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति के सुख में ही सुखी रहें, बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की खुशी में खुश रहें, ना तो अपनी अपनी चलाते हैं, जो मैं कहता हूं तू वही कर, जो मैं कहता हूं तू वही सुन, जो आप कहते हैं वही वो सुने, जो आप कहते हैं वही वो करे। यदि आप उससे जबरदस्ती वो काम कराना चाहते हैं जो उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उसे वो सुनाना चाहते हैं जो उसकी सुनने की इच्छा नहीं, ये तो प्रेम रहा ही नहीं। ये तो आप अधिक जमा कह रहे हैं, आप किसी पर अधिकार जमाकर उसके भावों का शोषण कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। ये रिश्ता हो सकता है पति पत्नी का, पर ये प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या है? तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम की खुशी ही अपनी खुशी है, उसका दुख ही अपना दुख है, बस अपना कुछ नहीं। ऐसा प्रेम गोपियां करती हैं, ऐसा प्रेम बताओ गोपियों के अतिरिक्त और कौन लोग हैं जो ऐसा प्रेम करते हो भगवान से? बताओ, फटाफट नाम बताओ। गोपियों के अतिरिक्त वो कौन है जो भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं, जो उनकी खुशी में अपनी खुशी माने? कौन? जोर से, जोर से। क्या नाम है उनका? जोर से। उनका नाम है प्रेम के आचार्य। कौन है प्रेम के आचार्य? गोपियों को छोड़कर, गोपियां तो हैं ही, प्रेम की आचार्य गोपियां हैं, पर गोपियों के अतिरिक्त एक नाम और है जो प्रेम के, गोपियों के पहले आचार्य हैं। कौन है वो? जोर से, जोर से। श्री भरत जी, श्री भरत जी प्रेम के आचार्य हैं। श्री भरत जी जो तत्सुख सुखित्वम की परिभाषा पर खड़े उतरते हैं। राम जी ने कहा कि तुम अयोध्या चले जाओ, तो उनकी आज्ञा ना चाह करके भी भरत जी ने मानी, अपने राम की खुशी में अपनी खुशी भरत जी ने मानी, और सारे 14 साल तक वो भरत जी नंदीग्राम में रहे। प्रेम के प्रथम आचार्य भरत जी हैं। प्रेम की शिक्षा गोपियों ने श्री भरत जी से ही प्राप्त की है। यदि आपको प्रेम करना सीखना हो तो दो लोगों से सीखिए, पहले भरत जी, पहले भरत जी, राम जी के भैया भरत जी, और दूसरी गोपियां। इन गोपियों में चाहे राधा रानी हो चाहे अन्य गोपियां हो, ये दो आचार्य हैं प्रेम के, जो प्रेम मार्ग के परम आचार्य हैं। पहले आचार्य श्री भरत जी और दूसरी आचार्य गोपियां, ये प्रेम की अधिष्ठात्रियां, प्रेम के अधिष्ठात्र हैं। तो मेरी माँ, प्रेम जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं है। इसलिए आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? उठाओ हाथ अपना। कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं आप लोग? हाथ उठाकर करते हो? चलो अब हाथ नीचे करो। दिल से बताना, झूठ मत बोलना। बताओ भगवान से कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ लेने की किस किस की इच्छा रहती है? भगवान से कुछ मिल जाए, कुछ इच्छाएं हैं, किस किस की इच्छाएं हैं अभी भगवान से कुछ लेने की? सही है ना? एक बात फिर से सुन लो, जहां भगवान से कुछ लेने की इच्छा है फिर वहां प्रेम नहीं। और राम जी को पसंद क्या है? राम जी को राम ही केवल, जोर से राम ही केवल, जोर से राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम चाहिए मेरी माँ, और वो प्रेम ऐसा होता है कि भगवान की खुशी ही हमारी खुशी, जो भक्त कह लेता है। बताओ भक्त की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा किस किस को समझ में आ गई? प्रेम की परिभाषा समझ में आ गई तो हाथ उठा लो। अब बताओ दूसरी भाषा, दूसरी परिभाषा, भक्त की परिभाषा बताओ। भक्त किसे कहते हैं? फटाफट बताओ भक्त की परिभाषा क्या है? आप में से कितने लोग भक्त हैं? हाथ उठाओ। सब सब भक्त हैं। बताओ फिर भक्त की परिभाषा क्या है? किसे भक्त कहेंगे? किसे माने कि यह भक्त है और किसे माने कि यह भक्त नहीं है? कैसे पता लगाएं कि यह भक्त है, कैसे पता लगाएं कि यह भक्त नहीं है? कैसे बताओ भक्त किसे कहते हैं? क्या परिभाषा होनी चाहिए भक्त की? किस कसौटी में खरा उतरना चाहिए भक्त को? क्या है भक्त की परिभाषा? ध्यान से सुनिए, आज जो यह दास कहेगा सारी जिंदगी आपको याद रखनी है। भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा है जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मान ले। यदि भगवान महलों में रखें तो वो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में खुश रहे। हर हाल में जो प्रसन्न रहकर सदा भगवान की तरफ देखता रहे, केवल भगवान को जाने पहचाने वो भक्त है। जो हर हाल में प्रसन्न रहे, जो हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करे, तेरे फूलों से भी प्यार, ये मानसिकता जिसकी है, हर हाल में पॉजिटिव रहे,
ये नहीं कि जब अच्छा चल रहा है तो भगवान भगवान करे और कल को यदि हालात बिगड़ गए तो भगवान को गालियां देने लग जाए, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, हमने पूजा इतनी की क्या मिला। ये सब वही लोग बातें करते हैं जिन्होंने भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां कोई चाहत नहीं होगी, और जहां चाहत होगी वो प्यार नहीं वो व्यापार हो जाता है। इसलिए भगवान से एक है प्यार और एक है व्यापार। आज व्यापारी ज्यादा है, प्यार करने वाले कम है। प्रेम क्या है, भगवान का भक्त कौन है, जहां कोई चाह ना हो। सुदामा जी गरीब थे, बताओ सुदामा जी ने भगवान से कभी कुछ मांगा, जोर से नहीं मांगा। आप बताओ आप में से कितने लोग सुदामा जी की तरह भक्त हैं, सुदामा जी जैसी भक्ति आप में से कितने लोगों के अंदर है। मेरे अंदर तो नहीं, बोलो आपके अंदर है क्या, आपके अंदर सुदामा जैसा प्रेम है, बोलो हाँ या ना। क्या आपके अंदर सुदामा जैसी भक्ति है, हाँ या ना। नहीं, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, पर मांगते हम लोग कितना ज्यादा है भगवान से, ये भी दे दो ये भी दे दो। अरे जहां प्रेम होगा वहां सिर्फ प्रेम होगा, वहां चाहत तो हो ही नहीं सकती। जहां चाहत है वहां प्रेम शून्य है, जहां चाहत है वहां प्रेम शून्य है, जीरो है। हम सुदामा जैसे भक्त नहीं है, हम सुदामा जैसे प्रेमी नहीं है, पर सुदामा जी से बड़ा मुंह फाड़ते हैं, सुदामा जी ने तो मांगा ही नहीं कुछ। सुदामा जी ने द्वारिका गए सुदामा जी, पर कुछ लेने नहीं गए सुदामा जी, बताओ लेने गए हो तो, लेने नहीं गए, दो मुट्ठी चावल देने गए, अपनी औकात अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा जी भगवान को। जहां देने की भावना हो उसे प्रेम कहते हैं, जहां लेने की इच्छा हो उसे स्वार्थ कहते हैं। अब आप देख लो कि आपकी भक्ति स्वार्थी है या निस्वार्थ है। लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिलेगा, तुमने पूजा भक्ति जो की है वो चाह के कारण की है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए की। इसलिए भगवान से प्रेम करो। तो बताओ भगवान का सच्चा भक्त कौन, जो भगवान से कुछ ना चाहे। भगवान बेटी दें तो खुश रहे, बेटा दें तो खुश रहे, फैक्ट्री अच्छी चलाएं भगवान तो खुश रहे, ना चलाएं तो खुश रहे, कोई जन्म ले तो खुश रहे, कोई मर जाए तो खुश रहे, जो हर स्थिति को हर हालात को भगवान की कृपा माने, जो हर स्थिति परिस्थिति